Just yelling, fuck me, 2 weeks she'll be yelling, just love me, put Visine inside my eyes so my grandma will fucking love me, your generation above me, I know you still. Cello. Welcome to Los Angeles. We love corn here. 13th of March 2020 को US में emergency declare हुआ था करोना वायरस की वजह से. उस दिन हम लोग सेट पर थे और हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये चीज़ इतनी सीरियस हो जाएगी. This is fucking ridiculous. यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ के सारे स्टोरों का ये हाल है. ऑलमोस्ट सब जगह स्टॉक खत्म हो चुका है. लोगों ने इतना सामान खरीद के घर में भरा है कि जिन्होंने बिलीव नहीं किया था ऐसा कुछ होगा अब उनको प्रॉब्लम हो रहा है. इट्स हैपनिंग फ्रॉम लास्ट वन वीक. Like you can't find like literally anything. आज 9 दिन से हम लोग घर में रह रहे हैं. हमारा आना जाना बहुत कम हो चुका है. अगर कुछ इमरजेंसी रहती है या कुछ ख़रीदना रहता है तभी हम बाहर जाते हैं. ऐसे यहाँ पे बार मॉल्स शॉपिंग स्टोर्स बहुत पहले ही बंद हो गए. I've never came to the grocery store like to get something and they didn't have it. So spices, nobody's touching it. I mean, it's very rare people use spices, so nobody have touched this section, but if you see almost everything is gone. Fish. What did you got? I got sushi because I want fish. You got this sauce? Yeah. I'm not gonna eat. आदमियों का खाना ही नहीं यहाँ पर पेट्स का भी खाना गाया गया है. As you can see, look. बेसिक चीज़ें लाइक दूध अंडे ब्रेड ऐसी चीज़ें यहाँ पे ये लोग 2 या 3 दिन बाद स्टॉक अप करते हैं. सो प्रॉब्लम नहीं है. एंड बेस्ट चीज़ है कि इन लोगों ने चीज़ों का कोई किसी भी चीज़ की प्राइस हाई नहीं हुई है. सब कुछ अब अभी भी उसी प्राइस में मिल रहा है जो इमरजेंसी से पहले मिल रहा था. सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और ये स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके बच्चे और जिनकी फैमिली USA में इस वक्त है एंड वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं. सो आप लोग परेशान मत होइए. हम लोग यहाँ ठीक से हैं. हमें चीज़ें मिल जा रही हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट.